Hello everyone, welcome to Ashramik Vidyalay. Myself, Firdousi. Students, in this video we will continue in our chapter number 13. So let's start. Ask your friends about the number of people living in their home. अब आपकी ये activity है, इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो friend है, जितने भी friend हैं, उसको पूछना है कि उनके घर में कितने पीपल्स यानी कितने लोग रहते हैं और उसके बेस पे आपको यहाँ पे जो ये टेबल दिया है वो कंप्लीट करना है. नाउ व्हाट द हॉर्सेस शुड आई मेक अ चार्ट स्मार्ट चार्ट अबाउट स्मार्ट हॉर्सेस लिविंग टुगेदर. तो यहाँ पे हॉर्स जो है वो कहता है क्या मुझे भी साथ में रहने वाले घोड़ों का स्मार्ट चार्ट बनाना चाहिए. ऐसा ये कौन कह रहा है, ये हॉर्स कह रहा है. नाउ हाउ कैन यू कंप्लीट दिस, लुक एट इन द चार्ट. नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर यानी साथ में रहने वाले लोगों के नंबर्स एंड हाउ मेनी फैमिलीज, ऐसी कितनी फैमिलीज है. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज वन अलोन यानी अकेले रहने वाली फैमिली कितनी है. तो आपको ये कैसे मिलेगा, सो आस्क टू योर फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सबको आपको पूछना है कि आपके घर में कितने पीपल रहते हैं. If they says three people and other also your next friend also said three people in my family, third one also say three people in my family, so count how many they all families. So write if they are three families, four families, so write four number here. If they are eight families, so write eight number here. Then also ask to next friend how many members are in your family. If they says one people live in my family alone, then write that number here. For example, I write here three families. ऐसे कितने फैमिली है जो अकेली रहते हैं, तो ऐसी थ्री फैमिली है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिख दिया थ्री. नाउ टू पीपल यानी दो इंसान रहते हो, ऐसे कितनी फैमिली है आपके फ्रेंड्स की, तो वो नंबर आप यहाँ पे लिखना है. थ्री पीपल रहते हो वैसे कितनी फैमिली है, वो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे. फोर पीपल रहते हैं वैसे कितनी फैमिली है, दैट नंबर राइट हियर. फाइव पीपल लिव इन वन फैमिली, हाउ मेनी फैमिली दे आर. सिक्स पीपल लिव्स टू लिविंग टुगेदर, देन हाउ मेनी फैमिली दे आर, दैट नंबर राइट हियर. सेवन पीपल्स आर लिविंग टुगेदर, दैट फैमिली नंबर, हाउ मेनी फैमिलीज, दैट नंबर राइट हियर. एट पीपल्स लिविंग टुगेदर, दैट हाउ मेनी फैमिली, so write that number here. And here one more is blank, then write by yourself. 9 people, 10 people, 12 people, 13 people and how many families, ऐसे कितने परिवार है जिसमें 13 people रहते हो, ऐसे कितने परिवार है जिसमें 9 people रहते हो, ऐसे कितने परिवार है जिसमें 8 people रहते हो, वो सबका नंबर यहाँ पे आपको लिखना है. Now on the base of this table complete this question answer. I explain one by one these all questions, then after find the correct answer by on the base of this table and write the answer in the given thing. A. Most family have blank people living in their home. It means ज़्यादातर परिवार में इतने लोग रहते हैं. जो भी आपके यहाँ पर numbers आएगा वो answer यहाँ पर आएगा. ठीक है, कि ज़्यादातर परिवार जो है फैमिली है उसमें इतने लोग रहते हैं. नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम इज, अब एक ये चीज़ है कि एक ही घर में रहते सबसे कम लोगों की नंबर्स कितने हैं एक ही घर में रहते हो, तो वो यहाँ पे अलोन वाले ही आएंगे. एक ही घर में रहते हैं लेकिन सबसे कम है, वैसे नंबर कितना आएगी, यहाँ पर मैंने थ्री लिखा है तो आपका भी आंसर यहाँ पर थ्री आएगा. Now the number of families having four people is, यहाँ पे हमें लिखना है कि four people रहते हो वैसे family के number, यानी जिसमें four people रहते हैं वो कितने people कितनी family है, वो number आपका यहाँ पे आएगा. Again जिसमें four people रहते हो वैसे कितनी family है, ये numbers आपका यहाँ पे answer आएगा. Is that clear? So students, complete these 3 A, B and C, fill in the blank,
read the question answer on the base of this table. So for complete this table, ask to your friends, okay, and ask the question how many members are live in your family, okay, and collect the full data about the family members, and then after complete this table. It is your activity and it is your PW, okay. So students, don't forget and don't tap these questions. Now in the next video we will again meet. So bye bye, take care, thank you.